आज मैं आपको साउथ इंडियन लेमन राइस बनाना बताती हूँ कैसे बनाए जाते हैं। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं और झटपट बन के भी तैयार हो जाते हैं। आप चाहे तो इसे लंच बॉक्स में भी बना करके ले जा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेमन राइस बनाने के लिए 1 टेबल स्पून घी हम इस पैन में डाल देते हैं। आप घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया है, अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून राई डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 चुटकी हींग। अब सभी चीजों को हम भून लेते हैं। अब ये सभी चीजें भून गई हैं। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून उड़द की दाल डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून चने की दाल। अब दोनों दालों को स्लो मीडियम फ्लेम पे हल्के गोल्डन कलर का होने तक भून लेते हैं। अब ये दालें भी हल्के गोल्डन कलर की हो गई हैं। अब इसके अंदर हम थोड़े से करी पत्ते डाल देते, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा छोटे पीस में काट लिया है इसे भी डाल देते, 1/4 कप कच्ची वाली मूंगफली इसे भी डाल देते। अब मूंगफली को भी हल्के गोल्डन कलर का होने तक भून लेते हैं। अब इसी मूंगफली के साथ हम थोड़े से काजू डाल देते, 2 से 3 हरी मिर्च इसे लंबे पीस में काट लिया है इसे भी डाल देते, 2 लाल मिर्च। अब सभी चीजों को लगातार चलाते हुए 1 मिनट करीब भून लेते हैं। अब ये सभी चीजें भुन गई हैं। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून लाल मिर्च डाल देते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखी कम होती है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कमियां ज्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे, नमक टेस्ट के अनुसार। नमक को भी मिक्स कर देते। ये हमने 3 कप बॉइल चावल लिए हैं, वो डाल देते। अब हम चावलों को भी अच्छे से मिक्स कर देते। ये चावल खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते। आपके पास अगर बचे हुए चावल रखे तब भी आप इनको बना सकते हैं। अब ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये हमने 1 नींबू लिया है, हम लेमन राइस बना रहे हैं, तो अब हम इसके अंदर नींबू डाल देते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं। अब ये लेमन राइस बनके तैयार हो गए। आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया बने हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब चावल के साथ खाए जाने वाला रायता बना लेते हैं। रायता बनाने के लिए ये हमने 1 कप दही लिया है, जिसे हमने फैट लिया है। हम प्याज का रायता बनाएंगे, तो इसके लिए ये हमने 2 टेबल स्पून प्याज लिया है, जो छोटे पीस में काट लिया है वो डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून भुने वाले जीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून पुदीना का पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक। अब इसके अंदर थोड़ा सा सफेद नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया। अब सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। ये हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये प्याज का रायता बनके तैयार हो गया है। मैंने अपने चैनल पर काफी तरह की रायते की रेसिपियां डाली हुई हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर के उन सभी रेसिपियों को देख सकते हैं। अब इस रायते को हम सर्व कर लेते हैं। ये हमने रायते को बॉल में सर्व कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते, थोड़ा सा भुने वाले जीरे का पाउडर, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी प्याज। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। अब ये प्याज का रायता बनके तैयार हो गया है। अब हम लेमन राइस को सर्व कर लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया बनके तैयार हुए हैं। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप भी इन्हें एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको मेरी रेसिपियां पसंद आती है। मैंने अपने चैनल पर काफी तरह के चावल की रेसिपियां डाली हुई हैं, उन्हें काफी पसंद भी किया गया है। आप मेरे चैनल पर जाकर के उन सभी को देख सकते हैं। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपको ये कैसे लगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो आप इसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कभी भी बना करके खा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते। देखिए कितने बढ़िया बनके तैयार हुए। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।